नेक्स्ट इज लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट क्या होता है द मिनिमम लेंथ विच कैन बी मेयर्ड अकोरेटली बाय स्क्रू गेज इज कॉल्ड सबसे छोटी लेंथ जो स्क्रू स्क्रू गेज के साथ नापी जा सके मेयर की जा सके डेट इज़ कॉल्ड लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज सो लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज कैसे फाइंड करते हैं लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज फाइंड होता है पिच डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल पिच कितना है स्क्रू uh, गेज का और टोटल नंबर ऑफ़ डिविजन ऑन सर्कुलर स्केल कितनी है लेकिन लीस्ट फाइंड करने से पहले हमें पिच पता होना चाहिए तो पिच की डेफिनेशन ये है या पिच किसे कहते हैं डिस्टेंस मूव बाय स्क्रू जब आप स्क्रू को रोटेट uh, करते हैं तो वो कितना डिस्टेंस मूव uh, करता है और नंबर ऑफ फुल रोटेशंस गिवन आप कितनी रोटेशंस देते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल उसने फाइव uh, मिलीमीटर उसने डिस्टेंस कवर किया और आपने फाइव टाइम्स उसे रोटेट किया तो वन मिलीमीटर या इन अनदर वर्ड्स पिच क्या होता है कि वन टाइम रोटेट करने से उसने सर्कुलर उसने मेन स्केल पे कितनी डिस्टेंस कवर किया और वो अप्रोक्सीमेटली वन मिलीमीटर का आता है डेट इज़ कॉल्ड पिच ऑफ स्क्रू गेज तो लिस्ट काउंट हम कैसे फाइंड करेंगे पिच डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ़ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल तो पिच आती है वन मिलीमीटर टोटल नंबर ऑफ़ डिविजन्स होती हैं सर्कुलर स्केल पे हंड्रेड तो वन डिवाइडेड बाय हंड्रेड ज़ीरो पॉइंट जीरो वन एम एम मिली अगर इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहें तो फर्दर इसको टेन uh, पे डिवाइड कर दें तो डेसिमल एक डिजिट और इधर शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे ज़ीरो आ जाएगा ज़ीरो पॉइंट जीरो ज़ीरो वन सेंटीमीटर दिस वॉज़ क्वेश्चन नंबर सेवन नाव मूव टू क्वेश्चन नंबर एट हाओ कैन वी फाइंड द वॉली ऑफ़ स्मॉल पेबल विद दी हेल्प ऑफ मेयरिंग सिलेंडर मयरिंग सिलेंडर की मदद से हम कैसे ए, नाप सकते हैं वॉलीम तो वी टेक अ मईरिंग सिलेंडर इसकी डाइग्राम में आपको शो करता हूँ इस तरह हम मेजरिंग सिलेंडर ले लेंगे पहले उसमें लिक्विड डाल के देख लेंगे कि कितने मेजरमेंट वो देता है फॉर एग्जांपल फ़र्ज करें सिर्फ़ लिक्विड डालने से वो वन हंड्रेड मिलीमीटर देता है और फिर जब हम उसमें यहाँ पे तो की डाली गई है फिर उसमें हम स्टोन डाल देंगे पेबल कहते हैं स्टोन को स्टोन डाल देंगे तो उस लिक्विड का लेवल राइज हो जाएगा जितना राइज़ होगा डैट डेट इज़ वॉल्यूम ऑफ पेबल ये मैंने रिटर्न फॉर्म में यहाँ किया हुआ है सेकंड को हम कंसिडर करेंगे फाइनल वॉल्यूम इनिशियल जो था मतलब फर्स्ट पेबल डालने से पहले इनिशियल वॉल्यूम इनिशियल आई हैव कंसीडर्ड हंड्रेड फिर वो स्टोन डालने से पेबल डालने से वो वन फिफ्टी आया तो फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल फिफ्टी एम बट एम लिक्विड्स का होता है तो वी आल्सो नो डैट थाउजेंड एम एल इक्वल टू थाउजेंड सेंटीमीटर क्यूब तो सो वन मिली लीटर इक्ल्स टू वन सेंटीमीटर क्यूब तो फिफ्टी एम एल इक्ल्स टू फिफ्टी सेंटीमीटर क्यूब तो हमारे पास स्टोन का बन जाएगा फिफ्टी सेंटीमीटर क्यूब नाउ मूव टू नमेरिकल्स